Good morning, students. So, what we had done in our last class? In our last class, we had studied our chapter number 7th. We had started our chapter number 7th. Who will play with me? Okay, कि मेरे साथ कौन खेलेगा? जो अपना chapter 7th था, वो हम लोगों ने start किया था. And हम लोगों ने उसको as a reading portion complete किया था. Okay. Now, what we will do today in this class? Today in this class we'll do further activities of this chapter, okay? इस chapter की जो भी activities जो हैं, वो हम लोग करेंगे, okay? So, start करते हैं अपनी activity first. A, write T for true statements and F for false statements की ये जो following statements हैं, अगर true है, तो हमें T write down करना है, and अगर false है, तो F write down करना है, okay? First, we should give अप लेजीनेस, हमें अपने आलसीपन को गिव अप कर देना चाहिए. सो दिस स्टेटमेंट इज अ ट्रू स्टेटमेंट कि हमें कभी भी आलसी नहीं बनना चाहिए. अगर हम आलसी नहीं होंगे, अगर हम एक्टिव होंगे, तो सब लोग हमें मतलब हमारी रिस्पेक्ट करेंगे. ओके, इसलिए हमें कभी भी आलसीपन नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, द पीकॉक इज फ्री टू प्ले विद द बॉय. जो पिकॉक जो है वो फ्री था उस बॉय के साथ खेलने के लिए. नो, द पिकॉक वॉज नॉट फ्री टू प्ले. पिकॉक जो था वो फ्री नहीं था खेलने के लिए. क्या था? वो बिजी था डांस करने में. ओके, पिकॉक जो था वो क्या था? बिजी था डांस करने में. सो दिस स्टेटमेंट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. विल राइट एफ फॉर द स्टेटमेंट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, रोहित प्लेज विद हिज फ्रेंड्स इन द मॉर्निंग. रोहित जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ मॉर्निंग टाइम में खेलता था. नो, रोहित प्लेज विद हिज फ्रेंड्स इन द इवनिंग टाइम. वो इवनिंग टाइम में अपने फ्रेंड्स के साथ खेलता था. ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ए फॉल्स स्टेटमेंट. विल राइट एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, देयर आर मैनी चिल्ड्रन इन द गार्डन. कि गार्डन में बहुत से बच्चे थे. नहीं, जब रोहित गार्डन में इन द मॉर्निंग टाइम गया था, तो वहां पर कोई भी बच्चा नहीं था. ओके, देयर वॉज नॉट इवन अ सिंगल चाइल्ड. एक भी बच्चा वहां पर नहीं था. ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ए फॉल्स स्टेटमेंट. विल राइट एफ. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बी, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव. क्या करना है आपको? ये जो फॉलोइंग क्वेश्चंस हैं, इनमें जो हमें ऑप्शंस जो दिए हुए हैं, जो करेक्ट ऑप्शन है उसे टिक करना है. फर्स्ट, अ पंक्चुअल बॉय डज नॉट मिस हिज स्कूल. एक जो पंक्चुअल बॉय जो है वो कभी भी अपनी स्कूल मिस नहीं करता. डज नॉट डू वर्क ऑन टाइम, कभी भी अपना वर्क टाइम पर नहीं करता. Does not misuse things, वो कभी भी किसी भी thing को misuse नहीं करता. Does not waste his time, या अपने time को कभी भी waste नहीं करता. तो एक जो punctual boy होता है वो कभी भी अपने time को waste नहीं करता. Okay, so option D is the correct answer. Next question second, who is not willing to work? कि work मतलब कौन, मतलब जिस को वर्क नहीं था. कौन था? पिकॉक. पिकॉक को वर्क नहीं था. डॉग. डॉग को कोई भी वर्क नहीं था. पैरट. पैरट को नहीं था. या रोहित. रोहित को वर्क नहीं था. सो रोहित इज नॉट विलिंग टू वर्क. रोहित वर्क करना ही नहीं चाहता था. ओके, रोहित को वो कोई वर्क था नहीं, वो करना ही नहीं चाहता था. तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, लेजीनेस इज डैश फॉर अस. कि आलसीपन जो है वो हमारे लिए क्या है? गुड, बैड, यूजफुल, हेल्पफुल. लेजीनेस जो है वो हमारे लिए बैड है. ओके, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस स्टेटमेंट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. क्या करना है? ये फॉलोइंग क्वेश्चंस हैं, इनका हमें आंसर राइट डाउन करना है. क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाई डिड रोहित फाइंड नो फ्रेंड इन द गार्डन टू प्ले विद. कि रोहित को कोई भी दोस्त क्यों नहीं मिला, कोई भी फ्रेंड क्यों नहीं मिला गार्डन में खेलने के लिए? क्योंकि उसके सारे फ्रेंड्स जो थे वो स्कूल चले गए थे. रोहित फाउंड नो फ्रेंड टू प्ले इन द गार्डन बिकॉज
All his friends had gone to school. क्यों? क्योंकि उसके सारे दोस्त स्कूल में चले गए थे. Okay? Next question second. Why did the birds and animals in the garden not play with Rohit? कि जो birds और जो animals थे garden में वो Rohit के साथ क्यों नहीं खेल रहे थे? All the birds and animals in the garden were busy in doing their own work. क्यों? क्योंकि जो भी animals और जो birds जो थे वो अपने अपने work में busy थे. Therefore, they did not play with Rohit. इसलिए वो Rohit के साथ नहीं खेले. Okay? Next, question third. In the end of the story, Rohit's parents were happy with him. Why? कि end of the story, Rohit के parents जो थे, वो उससे खुश थे. क्यों? Rohit's parents were happy with him in the end of the story because he had now become a punctual boy and had given up laziness. क्यों? क्योंकि end of the story जो Rohit जो था, वो एक punctual boy बन गया था. एंड उसने अपनी सारी के सारी जो लेजीनेस जो थी उसे हटा दिया, मतलब लेजीनेस को उसने गिव अप कर दिया. ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी सेकंड. द सेंटेंस गिवन बिलो हैव सम अंडरलाइन वर्ड्स, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द ऑप्शंस फ्रॉम द बॉक्स. क्या करना है? आपके पास यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड्स हैं जिनको आपको चूज करना है इस ब्रैकेट से एंड आपको राइट डाउन करना है. माय फादर वर्क्स इन फील्ड एंड माय मदर हेल्प हिम. मेरे पापा फील्ड में वर्क करते हैं और मेरी मदर जो है वो उनकी हेल्प करती हैं. मदर. ओके, द सन राइजेज इन द मॉर्निंग एंड सेट्स इन द इवनिंग. सन जो है वो मॉर्निंग में राइज होता है एंड इवनिंग में सेट होता है. ओके, सो ईवीई एन आई एन जी इवनिंग. नेक्स्ट, इन द विंटर सीजन वी गो टू स्कूल एट 9:30 AM एंड डैश बैक फ्रॉम देयर एट 3:40 PM. हम स्कूल में 9:30 AM जाते हैं एंड वी कम. हम कब आते हैं? 3:40 PM वापस आते हैं. ओके, पैरेट क्रोस पैरो एंड हॉर्सेज वर डैश इन देयर वर्क सो दे डिड नॉट प्ले विद रोहित हु वॉज फ्री. कि रोहित जो था वो फ्री था जबकि पैरट क्रो एंड स्पैरो और हॉर्स जो थे वो क्या थे? वर बिजी. वो बिजी थे इसलिए उन्होंने मतलब रोहित के साथ वो नहीं खेले. ओके, एक्टिविटी थर्ड. लुक एट दिज सेंटेंसेज एंड अंडरलाइन द फॉलोइंग अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन फॉलोइंग. आपको क्या करना है इनमें, मतलब आपको डिफरेंस देखना है कि क्या डिफरेंस है. ओके, अफर्मेटिव नेगेटिव, अफर्मेटिव नेगेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव में क्या डिफरेंस होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस ऑलवेज गिव पॉजिटिव मीन. ओके, एंड नेगेटिव सेंटेंस ऑलवेज गिव नेगेटिव मीन. ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. इफ एनी स्टूडेंट इज हैविंग एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस चैप्टर यू कैन आस्क टू मी. Okay, so bye.